एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रूप बदलने में माहिर थी। वो अक्सर रूप बदल कर लोगों का शिकार करती थी। धीरे धीरे चुड़ैल से परेशान होकर लोगों ने रात में घर से निकलना ही बंद कर दिया और एक तांत्रिक को बुलाकर गांव के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनवा दिया, जिससे कि चुड़ैल गांव के अंदर ना आ पाए। एक रात चुड़ैल शिकार की तलाश में बैठी होती है। अरे ये क्या हो रहा है, अब तो गांव वालों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मुझे कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल गांव के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो सुरक्षा घेरे के पास पहुंचती है उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। आह, अरे मर गई रे, ओ मेरी कमर तोड़ डाली इस बिजली के झटके ने। आह, लगता है इन कमबख्त गांव वालों ने गांव के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया और अब मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। अब मेरा क्या होगा, लगता है मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वहां एक मोबाइल बजने लगता है। चुड़ैल हैरान होकर मोबाइल के पास जाती है। अरे ये क्या बला है और इसमें से आवाज क्यों आ रही है, इसे उठा कर देखती हूँ। फिर चुड़ैल उस मोबाइल को उठा लेती है और देखने लगती है। तभी उसके हाथ से किसी आदमी का नंबर डायल हो जाता है और दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाजें आने लगती हैं। चुड़ैल आवाजें सुनकर सोचती है, लगता है दूसरी तरफ से कोई आदमी बात करना चाह रहा है। क्यों ना इस आदमी से बात की जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल उस आदमी से बात करने लग जाती है और उसे गांव के बाहर बुला लेती है। वह हरिया होता है, वो भी चुड़ैल के बुलाने पर गांव के बाहर आ जाता है। मजा आ गया, इतनी रात में लड़की का फोन आया और उसने मिलने के लिए भी बुला लिया। आज तो मजेदार इलू इलू करूंगा। बस आ जाए एक बार। तभी चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है और बोलती है, मैंने ही बुलाया है तुम्हें, चलो इलू इलू करते हैं। चुड़ैल को देखकर हरिया डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। मर गया रे, भागो यहाँ से, इलू के चक्कर में फंस गया रे, मुझे छोड़ दो, जाने दो। लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मार डालती है और बहुत खुश होती है। बहुत ही सही चीज है ये मोबाइल, तो एक फोन करो और बस आदमी खुद ही चला आता है मरने के लिए। फिर उसके बाद चुड़ैल लड़की बनकर रोज कोई भी नंबर डायल कर देती और आदमियों को अपनी बातों में फंसा कर अपने पास बुला लेती और मार डालती। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है और गांव वाले इस नई मुसीबत से परेशान हो जाते हैं। एक शाम राहुल नाम का एक लड़का अपने दोस्त मोहन के साथ बैठा बातें कर रहा होता है, तभी उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आती है। अरे इतनी शाम को किसका फोन है, कौन फोन कर रहा है मुझे। राहुल तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम्हारे पिताजी का फोन आया है, अरे फोन उठाओ और बात करो। राहुल फोन उठाता है और बातें करने लगता है। दूसरी तरफ से लड़की की आवाज सुनकर खुश हो जाता है और मोहन को बोलता है। सही कह रहा है मोहन, तू दूसरी तरफ से लड़की का फोन है और मुझे मिलने के लिए बुला रही है अभी। मैं तो चला। राहुल की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है और बोलता है, राहुल तुम ऐसे कहाँ भागते जा रहे हो, वैसे लड़की तुम्हें क्यों बुला रही है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, मेरी बात मानो तुम मत जाओ। मोहन की बात सुनकर रोहन हंसने लगता है और बोलता है। तू भी ना मोहन, अबे तेरा भाई इतना स्मार्ट है, सभी लड़कियाँ देखते ही गिर जाती हैं। अरे भाई मुझे नहीं बुलाएंगी तो क्या तुझे बुलाएंगी। अब भाई तू चिल कर, अभी तो मैं चला लड़की से मिलने। फिर मोहन की बात ना मानकर रोहन वहाँ से सीधा लड़की से मिलने चला जाता है और लड़की का इंतजार करने लगता है। काफी देर हो जाती है और वहाँ कोई लड़की नहीं आती है। लगता है किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है, यहाँ कोई लड़की नहीं है, वापस घर जाता हूँ। लगता है
इस लड़की ने ही मुझे फोन करके बुलाया है। इसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ। रोहन लड़की के पास जाता है और उसे आवाज देता है। पीछे से तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। लगता है आपने ही मुझे फोन करके बुलाया था। अब आप मुंह छुपा कर खड़ी हो। कम से कम अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाओ। आप तो बहुत ही मजाकिया हो। लो देख लो मेरा खूबसूरत चेहरा। जैसे ही लड़की पलटती है, रोहन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उस लड़की का चेहरा एक चुड़ैल में बदल जाता है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। मम्मी बचाओ मुझे, बचाओ। लेकिन चुड़ैल रोहन को पकड़ लेती है और बोलती है, कहा जा रहा है मेरे मन चले, इधर तो आओ जरा। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन को मार डालती है। अगले दिन रोहन की लाश गांव के बाहर मिलती है। मोहन रोहन की लाश देखकर रोने लगता है और बोलता है, बोला था इस मनचले को कि मत जा, लेकिन एक फोन कॉल में लड़की से मिलने की टक्कर में चला गया और देखो मारा गया ना, मारा गया। मोहन की बात सुनकर वहाँ खड़े गांव वाले मोहन से सारी बात पूछने लगते हैं और मोहन भी उन्हें रात में हुई सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। ले भाई, अब की है रह गया था, अब मोबाइलवा से भी चुड़ैल फोन कर रही है और लोगों को मार रही है। भीमा की बात सुनकर पास में खड़ा राजू भी बोलता है, सही कह रहे हो भीमा भैया, कौनो तरह से इस चुड़ैल को गांव से बाहर किए थे, अब ना जाने कहां से ये मोबाइल वाली चुड़ैल आ गई। अब क्या करें, किसी के बुलाने पर नहीं जाएंगे हम तो। हाँ। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और डर के मारे रात में किसी का फोन नहीं उठाते। एक रात भीमा का फोन बजता है। भीमा फोन उठाने जाता है, तभी उसकी पत्नी दुलारी वहाँ आ जाती है और गुस्से में भीमा को बोलती है, कहाँ जा रहे हो फोन उठाने, इसी झाड़ू से इतना पीटूंगी ना कि अकल ठिकाने आ जाएगी, बड़ा चले हैं फोन उठाने, अगर चुड़ैल का फोन हुआ तो चलो चुपचाप बैठ जाओ। अरे भगवान, तू भी ना, जरा सा कुछ होवत नहीं है, गोवर्धन पर्वत उठा लेती है। अरे सिर्फ देख ही तो रहा हूँ किसका फोन है। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम बड़े डंबानी के रिश्तेदार हो ना, जो तुम्हें फोन आएंगे, चुप करके बैठो। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और गांव वाले चुड़ैल के डर के मारे सिर्फ दिन में ही एक दूसरे से बातें करते और रात में किसी का फोन नहीं सुनते। एक दिन गांव वाले बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे भैया, ऐसे कितना दिन चलेगा, इस चुड़ैल के डर से तो रात में या तो फोन उठाते नहीं या तो स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है। हाँ भीमा, सही कह रहे हो तुम, जिंदगी ही खराब हो गई है। और सुना है भैया, तुम्हें रात में भौजी ने भी मारा है, है? राजू की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे गांव वाले हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ राजू की पत्नी रज्जो आ जाती है। बहुत मजाक उड़ाना आ रहा है तुम्हें भीमा भैया का, ये नहीं कि चुड़ैल से कैसे निपटना है। तुम सही कह रही हो, हमें इस चुड़ैल से तो निपटना ही होगा। अगर आप लोग सुनो तो मेरे पास एक योजना है। फिर भीमा अपनी योजना रज्जो और गांव वालों को बताता है। उसी रात भीमा के मोबाइल पर चुड़ैल का फोन आता है और चुड़ैल भीमा को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन भीमा के बदले रज्जो और दुलारी चुड़ैल से मिलने के लिए गांव के बाहर जाती हैं। उसके पीछे पीछे भीमा और बाकी गांव वाले भी जाते हैं। रज्जो और दुलारी को देखकर चुड़ैल बोलती है, अरे तुम दोनों औरतें कहां से आ गई, मैंने तो आदमी को फोन किया था। तुमने जिनको फोन किया था वो हमारे ही पति हैं और उन्हीं को बचाने के लिए हम दोनों यहां आई हैं, और अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम दोनों मारोगी मुझे, आज तुम दोनों को ही मारती हूँ। लेकिन तभी सारे गांव वाले वहाँ आ जाते हैं और चुड़ैल को घेर लेते हैं। गांव वालों को देखकर चुड़ैल बोलती है, लगता है आज सारे गांव वाले ही मरना चाहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तभी भीमा चुड़ैल के हाथ पर डंडा मारता है, चुड़ैल के हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है और राजू मोबाइल को जला देता है। ये तुमने क्या किया दुष्टों, अब तुम सब मरोगे। लेकिन तभी रज्जो और दुलारी के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, चुड़ैल जलने लगती है और थोड़ी ही देर में जलकर भस्म हो जाती है।